पानी के बिना समुद्र का मजा। अरे नहीं, बहुत गर्मी है। गर्मी 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 गर्मी। ये सुनियो ने भेजा है। इसके अंदर क्या होगा? बहुत भारी है। इसके अंदर क्या होगा? वैसे मुझे जानने के लिए इसको खोलने की जरूरत नहीं है। उसने इसमें अपनी तारीफें की होगी और ढेर सारी फोटोज भेजी होंगी। हाँ, मेरा इसे खोलने का बिल्कुल मन नहीं है। ये देखो, मैंने कहा था ना, सुनियो छुट्टियों का मजा ले रहा है। और इतना ही नहीं, वो अपने साथ जियान और शिजुका को भी लेकर गया है। ओहो। तो बताओ दोस्तों, क्या हाल है? हम डैड के फ्रेंच क्रूजर में मजे ले रहे हैं। उन्होंने ये अभी अभी लिया है। बहुत बुरा हुआ मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले पाया नोबिता, सिर्फ चार लोगों की जगह थी। हाँ सही कहा, तुमने मुझसे कहा होता तभी मैं चलता ना। सुनियो, क्योंकि ये एक टापू है, यहाँ पर पानी के नीचे बहुत अच्छी सीनरी दिखती है। मुझे यकीन है तुम्हें ये सब बहुत पसंद आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये किसे पसंद नहीं आएगा सुनियो। अरे नहीं, फालतू की चिट्ठी है, फालतू की चिट्ठी है, इसे फाड़ो। मुझे जलन हो रही है। तुम्हारा भी वहाँ जाने का बहुत मन है ना? रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एनीवेयर डोर से तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चला गया तो तैर नहीं पाऊँगा और डाइव भी नहीं कर पाऊँगा। सही कहा, तो फिर हम नहीं जाते हैं। लेकिन डोरेमोन, फिर हम फ्रेंच क्रूजर, सुंदर पानी के नीचे सीनरी, ये सब कभी नहीं देख पाएंगे। अरे नहीं। तुम चाहते क्या हो नोबिता? तुम्हें जाना भी है या नहीं बता दो। मैं बिना समुद्र के अंदर जाकर पानी के ऊपर चलना चाहता। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते? प्लीज डोरेमोन, प्लीज करो, प्लीज प्लीज, मेरे दोस्त, मेरे भाई डोरेमोन। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा नोबिता, चिंता मत करो। डोरेमोन, तो तुम अब क्या करोगे डोरेमोन? कीप वाटर ऑफ, जोड़ देता हूँ। अच्छा, मेरे ऊपर पानी छिड़को। हाँ, क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ हाँ, चलो डालो ना। तो ठीक है। अरे, ये पानी को दूर करता है। हाँ, ये तुम्हारी मदद करेगा। चलो अब चलते हैं। मैंने फोटो में देखा था। चलो दोस्तों, आज फिर से फ्रेंच क्रूजर पर चलते हैं। क्या ख्याल है? बहुत मजा आएगा। चलते हैं। तुम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतने अच्छे क्रूजर पर घूमने का मौका मिल रहा है। लेकिन अफसोस कि नोबिता बेचारे को इस पर घूमने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो तुम्हें उसे भी बुलाना चाहिए था ना। डाइविंग करने में बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं, नोबिता पानी के नीचे डाइव नहीं करता, डूब ही जाता, समझे दोस्तों? तो फिर तो ठीक ही हुआ कि वो यहाँ नहीं आया। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये बढ़िया बात है, बात है। चलो अब चलते हैं। ये
जा रही है। हीरो पानी को दूर रखती है। ये बहुत कमाल का है, मजा आ गया। देखो ये जगह ठीक लग रही है। कैसा लगा? हम बिना समुद्र के अंदर गए हुए पानी के अंदर आ गए। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये कितना अच्छा है। मेरी बात सुनो डोरेमोन, क्या तुम मेरी डायरी करते हुए फोटो खींच सकते हो ताकि मैं बाद में उसे सुनियो को दिखा सकूं? ठीक है, मैं भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो रेडी हो जाओ, बोलो चीज। अच्छा अच्छा रुको, आ गई फोटो। कैसी आई है? हाँ, देखो ये फोटो कैसी आई है। ये क्या है? इसको देख के ऐसा लग रहा है कि मैं डूब रहा हूँ डोरेमोन। वो इसलिए क्योंकि अगर तुम 2 मिनट और रुकते तो शायद डूब ही जाते। तुम रोप के अंदर ही फोटो खिंचवा लो नोबिता। इस तरह से? हाँ हाँ, ऐसे ही रुको। 1, 2, 3। अब ज्यादा ठीक लग रहा है। ये देखो फोटो कैसी आई है। नोबिता, तुम ठीक तो हो ना? लग तो रहा है। अरे वाह, ये तो टर्बन शेल है। वहाँ पर भी है। वहाँ पर भी। मुझे एक और मिल गया। बहुत बढ़िया, ये तो हर जगह है। ये तो बहुत मजेदार है। जल्दी करो नोबिता, जल्दी। ये कमाल हो गया। हमें बहुत मजा आ रहा है। खाने के लिए शुक्रिया। ये गर्म है। मेरी बात सुनो सुनेकी जी, क्या मैं इसे एक बार चला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं चला सकते। अंकल ने कहा है कि आज कोई मैगजीन वाले इसके बारे में लिखने आ रहे हैं। अगर इसको कुछ हुआ तो अंकल मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं। हवा कितनी तेज है ना? हाँ, हम सच में बहुत तेज जा रहे हैं। अरे जियान, वो देखो, वो क्या है? अरे वहाँ तो धुआं है। हे सुनियो, बात सुनो, वहाँ धुआं निकल रहा है, देखो। अरे वहाँ पर क्या है? आओ देखते हैं क्या है। बहुत सारा खाना खा लिया, मेरा पेट पूरा भर गया है। थोड़ी देर के लिए हम दोनों पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, मजा आएगा। हाँ सही कह रहे हो। चलो तो फिर तैयार हो जाओ। हाँ अच्छा, तो फिर हम खेलना शुरू करते हैं। पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर दिखाओ। ठीक है, रुको मेरे लिए। समझा, वो क्रूज फ्रांस की एक फैक्ट्री में ऑर्डर देकर बनवाया गया था। जरूर वो बहुत महंगा होगा। मुझे लगता है कि ये आपके मैगजीन के कवर के लिए सही रहेगा, क्यों है ना? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सबको बहुत अच्छी लगेगी। और इस नाव की दूसरी तरफ तो देखकर आप दंग रह जाएंगे। देखो कितना सुंदर नजारा है। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। अरे ये क्या हो रहा है? डैड आप यहाँ? अरे वाह,
ये तो सच में कितना शानदार आइडिया है। तुम ये सब क्या कर रहे हो? बात ये है कि तुमने मेरे क्रूज को क्या कर दिया? हमें माफ कर दीजिए। चला गया है। अरे मेरा फ्रेंच क्रूज बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? तेज गर्मियों में आ गई सर्दी। नोबिता, बेसबॉल प्रैक्टिस का टाइम हो गया है, जल्दी आओ। फौरन नीचे आ जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? क्या, मैं नहीं आ रहा इतनी गर्मी में, वरना मुझे लू लग जाएगी। तुम हमेशा की तरह बहाने बना रहे हो। मुझे गर्मियाँ पसंद ही नहीं है डोरेमोन। मेरी बॉडी और दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। कुछ भी करने का मेरा दिल करता ही नहीं है। पर तुमने तो कहा था तुम्हें सर्दियों से ज्यादा गर्मियाँ पसंद है। नहीं, मुझे सर्दियाँ पसंद है। सर्दियों में बस गर्म कपड़े पहनने होते हैं, गर्मी में तो कुछ भी पहनो गर्म ही लगता है, समझे? तो हाँ, तुम सही कह रहे हो। एक मिनट रुको, मैं अभी कुछ करता हूँ। जीरो सेवन टू फोर, ये क्या है? July 24th, यानी आज की तारीख। अब मैं इसे सेट करता हूँ February। ठंड लग रही है, अचानक से सर्दी हो गई। तुम ही तो चाहते थे ना कि सर्दियाँ आ जाए नोबिता, तो अब क्या हुआ? समझा, मैं बहुत खुश हूँ। अब बस मुझे गर्म कपड़े पहनने होंगे। मैं चला। एकदम से इतनी सर्दी क्यों हो गई? हाँ, बर्फ भी गिरने लगी है चान। और ये नोबिता अब तक क्यों नहीं आया है? माफ करना, मैंने तुम्हें इंतजार करवाया जी। तुम बहुत देर से आए हो नोबिता, और तुमने ये गर्म कपड़े कैसे पहन रखे हैं? कितनी ठंड है, ये फरवरी का महीना तो बहुत ठंडा निकला दोस्तों। अरे मुझे तो लगा ये जुलाई का महीना है, ये फरवरी कहाँ से आ गया? लेकिन मुझे तो बहुत ठंड लग रही है नोबिता। जो भी हो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ चलो घर चलते हैं। कूना मैं कमाल का। वाओ, तो ये तुम्हारे लिए काम कर गया। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा था इतनी सर्दी काफी नहीं है, थोड़ी और चाहिए, तो अभी कर देता हूँ। 25 दिसंबर, हाँ ये हो गया। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। जानता हूँ। ओहो, सुनिए मॉम। अब क्या है नोबिता? मुझे एक नया गेम दिलवा दीजिए ना। नया गेम? तुमने तो क्रिसमस तक रुकने को बोला था ना। लेकिन आज ही तो क्रिसमस है मॉम। अरे हाँ, तुमने तो अच्छा याद दिलाया, आज तो क्रिसमस डे है। पैसे चेक कर लेती हूँ। टाइम कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। मैंने कर दिखाया, अब मैं शिजुका के साथ खेलने जा रहा हूँ। क्या बात है, तुम कुछ उदास लग रही हो। अरे नोबिता, मुझे स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग पूल जाना था, लेकिन अचानक से इतनी ठंड हो गई। अरे नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक मिनट रुको, ठीक है मैं अभी आता हूँ। ऐसा मत करो, इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बस बस एक बार और डोरेमोन। 25 अगस्त, कितनी गर्मी है। सुनो शिजुका, फिर गर्मी आ गई है, बाहर आ जाओ। अरे नोबिता बेटा, वो तो अभी अभी स्विमिंग पूल गई है जी किसुगी के साथ। मैं फिर से सर्दियाँ ले आऊंगा। कभी ठंड है कभी गर्मी, आखिर हो क्या रहा है? अगर फिर से सर्दियाँ ही करनी है तो मैं कर दूंगा न्यू ईयर। अंकल, मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, ये लो तुम्हारे लिए तोहफा। अरे वाह, आपका शुक्रिया अंकल। ये हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, ये
समझ गया, अब मैं बाकी रिश्तेदारों के पास जाऊंगा तो मुझे और तोहफे मिलेंगे। ये अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है पॉकेट यहीं पर है। हाँ, मिल गई। एनीवेयर डोर। हैप्पी न्यू ईयर आंटी, तोहफा नहीं देंगी? हाँ बिल्कुल दूंगी ना बेटा, ये लो तुम्हारा तोहफा। शुक्रिया आंटी। ओहो, ये नोबिता भी ना। कमाल हो गया, मुझे कितने सारे पैसे मिले। हाँ जानता हूँ, आज मैं शिजुका का बर्थडे कर दूंगा और फिर उसके लिए तोहफा लेकर जाऊंगा। अरे ये क्या हो रहा है, तारीख रुक ही नहीं रही है। लगता है खत्म हो गया। अचानक गर्मी क्यों हो रही है? ये तो बहुत बुरा हुआ नोबिता। डोरेमोन, गलती से ये गैजेट खराब हो गया। मुझे पता था ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने कहा था ध्यान रखना, तुमने नहीं सुना। हा? अब देखो क्या हो गया है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये बताओ कि क्या तुम्हें पता है अलग अलग मौसम होने का कारण क्या है? हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमकर सूरज के चक्कर लगाती है और ये एक एंगल पर झुकी रहती है, इसके कारण हमें अलग अलग मौसम मिलते हैं। और ये फिकल कैलेंडर जो तुम देख रहे हो, ये अर्थ के एंगल को बदल देता है जिससे मौसम भी बदल जाता है। तुम्हें समझ में आया? अब ये देखो, ये किसी लट्टू के एंगल को घुमाने जैसा है, और अगर तुमने ऐसा किया तो लट्टू घूमना बंद कर देता है। ऐसा ही अर्थ के साथ भी हो सकता है, और अगर वो सूरज के चारों तरफ घूमना बंद कर देगी तो तुम जानते हो क्या होगा? नहीं, अर्थ सूरज के पास चली जाएगी और उसके अंदर घुस जाएगी। ऐसा है क्या? तो ये गर्मी का मौसम है। अब बाहर देखो, सूरज। अब मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। डोरेमोन, मेरी मदद करो ना। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक तो? नोबिता क्या हुआ? जल्दी से टीवी न्यूज़ पर देखो, आज धरती का आखिरी दिन है। अरे नहीं, अब क्या होगा? सभी लोग बाय बाय। कुछ करो डोरेमोन, अब तो अर्थ से भाग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। स्पेस लाइफ बोट, सब लोग जल्दी से आ जाइए, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा। जल्दी करो नोबिता, रुके क्यों हो, जल्दी। जानता हूँ, एक मिनट रुको। नोबिता, हमारे पास समय नहीं है। रुको, मैं शिजुका को बुला कर लाता हूँ। नोबिता वापस आओ। मैं शिजुका को यहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ।
शॉपिंग के लिए जा रही हो? हाँ आंटी, फिर